नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन। दोस्तों मैं रणवीर सिंह को देखिए मैं बात करूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर कि देखिए फायरमैन का रिजल्ट आपका आ चुका है। उसके बाद देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो कमेंट्स आ रहे हैं जिनका देखिए जो फिजिकल और प्रैक्टिकल की जो लिस्ट जारी हुई है, चाहे वो फायरमैन की हो या वो आपकी सहायक अग्निशमन अधिकारी की हो, उस लिस्ट में जिनके रोल नंबर हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है लिस्ट में फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए, तो देखिए उनका कहने का मतलब यह है कि फिजिकल और प्रैक्टिकल कब होगा, क्या फिजिकल और प्रैक्टिकल एक साथ होगा। तो देखिए इस पूरे वीडियो में फिजिकल और प्रैक्टिकल की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको प्रैक्टिकल और फिजिकल की जो लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट के आधार पर आपको सूचित किया जाएगा कि आपका फिजिकल और आपका प्रैक्टिकल किस किस तारीख में होना है। और देखिए ये अभी जो प्रैक्टिकल और फिजिकल जो होगा, तो जो आपके पास विज्ञापन था पहले जिसमें संशोधित विज्ञप्ति आई थी, उसमें क्लियर ये चीज लिखी हुई है कि देखिए राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग मतलब DLV का जो हेड ऑफिस है राजस्थान जयपुर के अंदर, यहां पर आपका देखिए प्रैक्टिकल और फिजिकल होगा। उसके लिए देखिए अलग से एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी के अंदर देखिए फायर से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें बैठेंगे और वही आपका प्रैक्टिकल और वही आपका फिजिकल लेंगे। तो अब सवाल ये था प्रैक्टिकल और फिजिकल क्या एक साथ होंगे। देखिए जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आपका प्रैक्टिकल और फिजिकल एक साथ होंगे या दोनों की तारीखें अलग अलग आएंगी। मान लीजिए सुबह की पारी में आपका फिजिकल हो जाएगा और शाम की पारी में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो एक दिन में भी दोनों हो सकती हैं और अलग अलग तारीखों में भी दोनों कराई जा सकती हैं। इसका जो निर्णय करेगा वो देखिए DLV करेगा, राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग करेगा कि कब आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाना है। अभी उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा, सूचना जारी होगी, वो सूचना DLV की तरफ से जारी हो सकती है, वो सूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी हो सकती है क्योंकि एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया है, रिजल्ट लिया है। तो देखिए ये तो प्रैक्टिकल और फिजिकल को लेकर जो अपडेट थी, जो सूचना थी, किस तरह से चीजें होंगी वो है। अभी देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट जारी हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थी इस रिजल्ट से भी असंतुष्ट हैं, तो देखिये यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का जो आकलन बोर्ड ने एक देखिये यहाँ पर सूत्र के आधार पर किया है, इस सूत्र को भी एनालिसिस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसको समझने की पूरी कोशिश की जा रही है। सूत्र में चीजें क्लियर हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी हुए हैं। देखिए इसका भी विश्लेषण जारी है और जैसे ही इसका कोई चीज निकल के आएगी, जो 10 गुना लिस्ट जारी की गई है, तो देखिए उस पर मैं आपको बता रहा हूं कि 10 गुना जारी की गई, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए वीडियो के पेपर में 10 गुना से अधिक लिस्ट जारी की गई थी। अब उसमें कहने का यह कि उसमें वैकेंसी ज्यादा थी, बात वैकेंसी की नहीं, उसकी विज्ञप्ति में भी 15 गुना लिखा हुआ था, तो उसके बावजूद भी उन्होंने लिस्ट को देखिए बढ़ाया है। तो यहां पर 10 गुना लिखा हुआ था, 10 गुना यहां पर जारी हुई है, तो वहां पर क्या कारण रहे, किस वजह से लिस्ट जारी की गई, तो वो भी एक सोचने का विषय है। अभी 10 गुना लिस्ट जारी आपके सामने है, ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल और फिजिकल को भी आपको क्लियर करना है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, फिर कोई अपडेट होगी तो आपके लेकर आएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, संदेश जन जन तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।